उज्जैन और काशी में बनाए गए भव्य कॉरिडोर की तरह राजिम मंदिर परिसर को भी विकसित किया जाएगा। राज्य सरकार ने इसके लिए बकायदा योजना बनाई है। इसके लिए केंद्र से मांग भी कर दी गई है। इसी के साथ ही प्रदेश में कई संरक्षित स्मारकों का भी संरक्षण किया जाएगा। छत्तीसगढ़ के पर्यटन मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने बुधवार को केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी से मुलाकात कर इसकी मांग की। केंद्रीय बजट में स्वीकृति कराने की मांग की गई है। दरअसल छत्तीसगढ़ के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने नई दिल्ली में बुधवार को केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी से मुलाकात कर इस दौरान उन्होंने छत्तीसगढ़ के पर्यटन विकास की संभावनाओं पर चर्चा करते हुए छत्तीसगढ़ की ऐतिहासिक धरोहर के संरक्षण और विकास के लिए केंद्रीय बजट से राशि स्वीकृति कराने का आग्रह किया। इस दौरान उन्होंने अपना बयान भी दिया। आइए आपको सुनाते हैं कि बृजमोहन अग्रवाल ने क्या कुछ कहा। छत्तीसगढ़ के लिए हमने छत्तीसगढ़ में बहुत हेरिटेज साइट हैं, बहुत सारे पिलग्रिम्स हैं, मंदिर हैं। हमने अपने घोषणा पत्र में एक शक्तिपीठ योजना की 5 शक्तिपीठों का विकास किया जाएगा और साथ में हमने जैसे सिरपुर है जिसको वर्ल्ड हेरिटेज में हम लाना चाहते हैं, वहाँ माता बम्लेश्वरी का मंदिर है, महामाया का मंदिर है, दंतेश्वरी माई का मंदिर है, उनको डेवलप करने के बारे में हमने बातचीत की है। तो माननीय मंत्री जी ने पॉजिटिव आश्वासन दिया। पहले भी वहाँ एक योजना प्रसाद योजना चल रही है, उस योजना का भी उद्घाटन के लिए हमने मंत्री जी को आमंत्रण किया है। हम इस बात की उम्मीद करते हैं कि छत्तीसगढ़ को डेवलप करने में अब नई सरकार आई है, उसको पूरा सहयोग मिले। इसी के साथ ही अग्रवाल ने शक्तिपीठ परियोजना के अंतर्गत प्रदेश के 5 शक्तिपीठों को जोड़ने और विकसित करने, राजिम कॉरिडोर के निर्माण सहित पुरखोती मुक्तांग में कन्वेक्शन सेंटर बनाने के लिए केंद्र से सहयोग मांगा। आगे मंत्री अग्रवाल ने बताया कि 4 धाम की तर्ज पर छत्तीसगढ़ के महत्वपूर्ण धार्मिक आस्था के केंद्रों को शक्तिपीठ परियोजना के तहत विकसित किया जाएगा। छत्तीसगढ़ के 5 शक्तिपीठ सूरजपुर के उदरगढ़, चंद्रपुर के चंद्रहासिनी मंदिर, रतनपुर के महामाया मंदिर, डोगरगढ़ के बम्लेश्वरी मंदिर और दंतेवाड़ा के दंतेश्वरी मंदिर में पर्यटन सुविधाएं विकसित की जाएगी। उन्होंने इसे पर्यटन मंत्रालय की योजना में शामिल कर स्वीकृति प्रदान करने का आग्रह किया है। अब देखना यह होगा कि छत्तीसगढ़ के बजट में किस तरह से विकास और आगे की योजनाओं के लिए प्लान बनाया जाता है। इस तरह की तमाम खबरों के लिए बने रहे अमर उजाला मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।